नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दहिसर मुंबई से सामने आई मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। एक मंदबुद्धि लड़के के साथ हुआ दुष्कर्म। हर दिन हम सभी देश भर में अलग अलग जगहों पर लड़कियों महिलाओं के साथ हैवानियत भरी घटना, दुष्कर्म का शिकार होने की घटनाओं के बारे में सुनते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम जिस हैवानियत की बात कर रहे हैं उसका शिकार एक मंदबुद्धि लड़का हुआ है जिसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी हरकत अंजाम दी गई। आपको बता दें, यह जो मामला है वह है दहिसर पूर्व स्थित अंबावाड़ी का, जहां एक मंदबुद्धि बच्चे के साथ अत्याचार करते हुए दुष्कर्म किया गया। मामले की जानकारी तब हुई जब मंदबुद्धि बच्चे की तबीयत खराब होने पर उसके पिता उसे दहिसर के प्रगति अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे नायर अस्पताल में भेज दिया। नायर अस्पताल में इलाज के दौरान दुष्कर्म की घटना पता चला तो डॉक्टर ने इसकी सूचना दहिसर पुलिस को दी। दहिसर पुलिस ने तत्काल लड़के और उसके पिता के बयान पर मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दहिसर में रहने वाला एक परिवार जिसके मंदबुद्धि लड़की की 13 मई को तबीयत खराब हो गई, परिजन लड़के को पास के प्रगति अस्पताल ले गए, लेकिन पीड़ित की स्थिति ज्यादा खराब होने के कारण उसे नायर अस्पताल में भेज दिया गया, जहां इलाज कर रहे डॉक्टर ने बच्चे को विश्वास में लेकर उसकी तबीयत बिगड़ने के पीछे का कारण पूछा तो पीड़ित बच्चे ने बताया कि उसके साथ उसके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने 3-4 बार दुष्कर्म किया है। मंदबुद्धि लड़की के इस बयान से डॉक्टर सकते में आ गए और तुरंत दहिसर पुलिस को फोन कर इसकी जानकारी दी। दहिसर पुलिस स्टेशन के अधिकारी तत्काल नायर अस्पताल पहुंचे, जहां बच्चे और डॉक्टर से मुलाकात कर उसके बयान पर धारा 377 बालक अपराध संरक्षण अधिनियम 4 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी 23 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मंदबुद्धि लड़के का अभी भी नायर अस्पताल में इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। रोल, हाँ रोल, आपके लड़के के साथ क्या हुआ है? आप परेशान बहुत हैं। मेरा लड़का थोड़ा मंदबुद्धि वाला था, तो उसको पेट में दर्द हो रहा था। हाँ। प्रगति में हॉस्पिटल में लेके गया था। हाँ। तो फिर हॉस्पिटल वाला बोला, बोलता इधर कुछ सुविधा नहीं, केम में नहीं तो नायर में लेके जाओ। हाँ। तो मैंने नायर में हॉस्पिटल में लेके गया। 13 तारीख से आई, अजीन इलाज जी चालू था। फिर तो डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर आके बोला, बोलता बेटा इतना इलाज करने के बावजूद भी, इतना एक्सरा निकालने के 30-35 एक्सरा निकाला, फिर भी अच्छा नहीं हो रहा है, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ था? तो लड़का बोलता हाँ, थोड़ा प्यार से बात किया डॉक्टर ने, बोलता हाँ, बोलता मेरे साथ गलत हुआ। बोलता कितनी बार हुआ? बोलता 3 बार हुआ। बोलता आप, बोलता अच्छा, बोलता बाद में मेरी औरत को बुलाया, मेरी औरत को बोला, बोलता आप किधर रहते? बोलता दहिसर में रहते। तो बोलता दहिसर कौन सी जगह पे? बोलता पर्वत नगर में, साईनाथ नगर एक में। तो बोलता क्या अच्छा, बोलता बाद में हाँ, बोलता कि हाँ बोलिए, बोलता केस होगा, बोलता पुलिस केस होगा। बाद में बड़े डॉक्टर साहब ने वहाँ से फ़ोन किया दहिसर पुलिस चौकी में, तो बोलता है कि ऐसा ऐसा है, बोलता है क्या नाम है? बोलता है तो लड़के को डॉक्टर ने बोला था, बोलता क्या नाम है बेटा, वो तुम्हारे साथ गलत किया था? तो बोलता है क्या, जेला खावड़िया है, बोलता है। बोलता अच्छा, बोलता है। बाद में वो बड़े डॉक्टर साहब ने इधर पुलिस चौकी में फ़ोन करके बोला, बोलता ये जगह पर जाओ। तो बोलता है जेला खावड़िया, बोलता उनको है पकड़ लो, बोलता है अच्छा, बोलता है। बाद में इधर दो साहब लोग आए तो जेला को पकड़ लिया। बाद में बड़े डॉक्टर साहब ने वापस फ़ोन करके वहाँ बड़े साहब को हॉस्पिटल में बुलाया, फिर भी अभी उसका इलाज चालू है। अभी लड़के की हालत कैसी है? नहीं, अभी लड़के की हालत कैसी है? नहीं अच्छा नहीं, अच्छा नहीं है, खाली पेट में दर्द है, अच्छा नहीं है हालत उनका, अजून दवा पानी चालू ही है। रोल, आपके बच्चे की तबीयत अभी कैसी है? नहीं अच्छी। क्या हुआ था उसको? उसके साथ गलत हुआ, करने वाला साथ ने पूछा, तभी उसने बोला अभी एक महीने के बाद, और अभी भी डॉक्टर साहब वो बोल रहे हैं कि उसको तभी में कोई हम लोग को कोई
कुछ बोल नहीं सकते, अभी भी हमको छुट्टी नहीं देता। अभी क्या इलाज चल रहा है? हाँ इलाज चल रहा है, वो बोलता है कि अभी भी आपको कुछ भी समझ में हमको नहीं आ रहा है। क्या डॉक्टर को क्या समझ में नहीं आ रहा है? वो बोलता है हमको मालूम नहीं पड़ा उसके पेट में कौन सा पानी है। अच्छा ठीक। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।